मैंने मैम जब ऐसे शूटिंग चल रही थी तो कभी डायरेक्टर ने फोन करके नहीं किया कि एक एक्टर है अभी तक पहुंचे नहीं है सेट पे तो आप देखो कहाँ है, तो फिर आपने कहा नहीं कि संजू सर आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ वैसे घर की? नहीं, मुझे 6 बजे एक कॉल आता था। अच्छा, 9 बजे पहुंच जाना नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, अपने घर के प्रोड्यूसर ठीक रखते हैं। भाजी मैंने संजू फिल्म अभी जो रणबीर कपूर ने जब आपका किरदार किया तो मैं एम्स्टर्डम में था, तो शहर से बाहर कहीं जाना पड़ा देखने के लिए, काफ़ी दूर था, तो मैं 10 मिनट ही लेट हुआ, 5 मिनट टिकट लेके बैठ के भूख लगी थी, बर्गर वर्गर खाने लग पड़े, वो जाने ना दे हमें। तो फिर मेरा दोस्त था उसने ना ऐसे गूगल पे मेरी और रणबीर कपूर की कोई शो की फोटो थी, तो हम झूठ बोल के अंदर घुसे, हमने कहा कि वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं ये, गोरे ने हमें जाने दिया। मज़ा आ गया सर, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, मतलब जितने उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए। मतलब फिल्मों में तो हर एक फिल्म में कोई ना कोई हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में जो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए पाजी, और आप उन सबसे जूझ के जो बाहर आए हैं असली हीरो की तरह, वी लव यू पाजी। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको मैं बता दूं कि जब संजू सर की मम्मी है जो नरगिस जी, द ग्रेट नरगिस जी, उनके बर्थडे पे ये फिल्म अनाउंस की गई थी, फिर सुनील दत्त साहब के बर्थडे पे इसका शूट स्टार्ट किया गया, और जब संजू सर का बर्थडे था तो इसका टीजर रिलीज किया गया। पाजी 20 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, उस दिन किसका बर्थडे है? उस दिन किसका बर्थडे, किसी का है क्या? फिल्म का बर्थडे, उस दिन फिल्म का बर्थडे, फिल्म का बर्थडे। तो 20 सितंबर को ये फिल्म आ रही है, जरूर देखिएगा आप। मायरा आपके बारे में एक बात सुनिए, स्कूल बंक करके लोग नॉर्मली फिल्में देखने जाते हैं, आपको सुना स्कूल में ही मिल गई थी फिल्म? हाँ, तो स्कूल छोड़ के मैं फिल्म ही की। मतलब स्कूल अभी कंप्लीट ही किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कंप्लीट किया दूसरे स्कूल में। अच्छा, लाइक मेरी 12वीं हो गई है, कॉलेज नहीं कंप्लीट कर पाए, कॉलेज मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरी पहली फिल्म के बाद वो फ्लॉप थी ना, तो एक्चुअली नो नो आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इन लड़कों मेरे पास आए और फिर टिकट का पैसे मांग रहे थे, तो मैं तो लाइक शर्मा गई एंड आई डिडंट वांट टू गो बैक। यार पैसे मांगे आपसे उन्होंने टिकट का? डिसगस्टिंग बॉय। हमारा आप पारसी हैं? हाँ जी। पारसी में, पारसी लोग आलू को पपीता कहते हैं ना? मैंने सुना है आलू को पपीता कहते हैं ना? क्यों नहीं? आलू को क्या कहते हैं? आलू। पपीता नहीं कहते? पपेटी। नो नो, पपेटी इज न्यू ईयर यार। पपेटा नहीं, इट्स ओह नो, इट्स लाइव है, लाइव है। It's okay, सुंदर हो चलेगा। पोटैटो ना? आई डोंट नो यार। अच्छा, पोटैटो, पोटैटो। ओके, चल रहने दो। मंगवाना नहीं मैंने, ऐसे नॉलेज के लिए पूछा। अच्छा। क्या फर्क होता है वैसे अली अपनी बॉलीवुड और हॉलीवुड वाली इंडस्ट्री में, वो लोग क्या करते हैं? इंग्लिश है, इंग्लिश, इंग्लिश ही है मेन फर्क। दोनों जगह वुड होता है, मतलब दोनों जगह वुड होता है। ओह नो, नहीं है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है, बट वो अलग इंडस्ट्री है, हमारी अलग इंडस्ट्री। आई थिंक वी आर कमिंग अप विद ग्रेट कंटेंट नाउ, एक्चुअली आई एम सो प्राउड ऑफ प्रस्थानम, हम लोग ने मतलब हाँ ऐसा, हाँ या आई मीन इट्स फिल्मी, इट्स आउट देयर, यू नो, एक्शन भी है, सॉन्ग्स भी हैं, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट, एंड वो हमारी USP है, मतलब यू नो गाने हम लोग के अपने एक USP होती है, वहाँ एक और है, वो एक और वर्ल्ड सिनेमा अलग। जैसा हम लोग सीधा भगवान से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हाँ वो भी अपनी फिल्मों में, वो थोड़ी कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी हो जाता है, उनकी फिल्मों में गाना भी नहीं होता, हमारे झट से होता, नजरें मिली एकदम से डांसर आ जाते हैं, तोहफा तोहफा तोहफा, उनके नहीं होता, बड़ा लव इट, इतनी है नहीं उनकी, क्योंकि नॉर्मल चीजें होती ना उनकी लाइफ में, नॉर्मल तो सबकी लाइफ में होती है, ये मजा एकदम से मिथुन दा की तरह चढ़ गए। मान्यता मैम आपके बारे में ये सुना है कि जब संजू बाबा ने आपको बड़ी कार गिफ्ट दी तो आपकी जो किटी पार्टी ग्रुप की 2-3 महिलाएं हैं उनके घर में कलेश हो गया, उन्होंने भी अपने पति से वही कार मांगी। तो मेरी, मैं किटी पार्टी नहीं करती हूँ, ये अफवाह थी। जी बिल्कुल। तो अब आप पार्टी नहीं करती बिल्कुल भी? नहीं, पार्टी करती हूँ, किटी पार्टी नहीं करती। किटी पार्टी वैसे होता क्या, मैंने कभी की नहीं, मैंने लेडीज बनने का मौका नहीं मिला। ओके संजू सर, ये एक और अफवाह है कि बच्चे आपके घर का डोरबेल बजा के भाग जाते थे, इसलिए परेशान होके आपने पूरी बिल्डिंग खरीद ली। बिल्डिंग तो दत्त साहब ने दी है मुझे। अच्छा, 10 साल में ली? बड़े दत्त साहब ने बिल्डिंग दे दी। अच्छा, बड़े दत्त साहब ने, ओके ओके, तो ये अफवाह है।
ओके अली, आपके बारे में सुना है कि मिर्ज़ापुर जब सीरीज हो रही थी तो आपने बड़ी अच्छी बॉडी बनाई थी, पूरा बल्की बॉडी, और बॉडी बनाने के लिए आप रोज 50 कच्चे अंडे खाते थे। हैं? कच्चे नहीं, पके भी थे, मैं खाता था। 50 थे? वहाँ अंडे बहुत खाता था, 50 पता नहीं, मुझे खाता बहुत था। तू अंडे खान बन गया था? हाँ, बहुत खा रहा था। एंड वियर्डली मेरा कैरेक्टर एक्चुअली वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट साहब, मतलब मैंने आई रिमेम्बर मैसेज यू आल्सो वंस, तो वो एक गुड्डू इन हिज रूम, उसमें सारे संजय दत्त के पोस्टर्स लगे, तो वो वहाँ से ऐसे बॉडी बना दिया था। बट कपिल सर सही है, किस्सा है ये बताना चाहूंगा मैं, अली की गाड़ी निकल पड़ी, अली पाली हिल में शिफ्ट हो गए। अच्छा। हाँ, तो मैं अली के घर गया, तो अली ने बोला भाई हम दोनों बाबा के इतने बड़े फैन हैं, बाबा का घर दिख रहा है यहाँ से। मैं बोला अरे बाप रे बाबा का, ये 3 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला अली को कि यार भाई यही गाड़ देना, कभी जाएगा तो मुझे ले चलना यार, कितना बड़ा फैन हूँ मैं। एंड कट टू उसके बाद फिर 3 साल बाद बाबा हमारे फादर बने, ये बड़े भाई छोटे भाई को, अरे वो बच्चे वाले दिल से मांग लिया, बोल दिया, किसी ने सुन लिया और हो गया। मैं आपके आने से पहले यही शेयर कर रहा था, मैंने कहा कि जब खलनायक रिलीज हुई थी आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और उस समय हमने लाइफ में कभी सोचा नहीं था सर कि आपसे मिलने का मौका मिलेगा। लव यू सर। डायलॉग रट गए थे यार सर। मुझे अगर मौका मिलेगा किसी सेलिब्रिटीज के साथ एक दिन जो भी स्पेंड करने का, तो मेरे फेवरेट एक्टर वरुण धवन है, तो मैं उनके साथ करना चाहूंगा। जैसे कि नॉर्मली अगर हम जो चीज़ नहीं कर पाते हैं, हम दाल चावल यही खाते हैं, तो मैं उनके साथ जो वो लोग शेयर करते हैं ना फोटो, अच्छी अच्छी अजीब अजीब सी डिश होती है, देखने में अजीब होती है, तो मैं वो खाना चाहूँगा। एक है सुशी, वो मैं उनके साथ खाना। कभी खाई नहीं आपने सुशी? नहीं खाई नहीं है, बस फोटो में ही देखी है, थोड़ी मिलती है बॉम्बे में। ये खाली इंस्टाग्राम पे डालने के लिए होती है, बाद में सारे राजमा चावल। ये कभी हमारे एक बात में भाई साहब ने अच्छा याद दिलाया, जैसे ही लड़कियां डालती हैं हैविंग फन विद फ्रेंड्स ईटिंग सुशी एट फलाना फलाना होटल। हाँ, सिर्फ लड़कियां नहीं डालते हैं, लड़कों भी डालते हैं। लड़के भी डालते हैं? नो 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 प्लीज, वी ऑल नो, थैंक यू। पर सच्ची बताना हमारा, ये पेट भर जाता है सुशी से? पर सुशी मच्छी ही है ना, तो हाँ पेट भर जाता है। इट्स सुशी मच्छी, या इट्स रॉ फिश, कच्ची मच्छी होती भाई, पकड़ दे कहीं भी बारी। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देविका अधिकारी। हाँ जी, देविका। देविका जी, देविका कहाँ से आई हूँ? बिहार से आई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विरार से नाला सफड़ा के बाद। अच्छा, विरार से आई हैं। हाँ। फिर भी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अगर मुझे कोई सुपरस्टार मिलेगा एक दिन बिताने के लिए, हाँ जी, तो मैं उनके साथ लॉन्ग टूर पे जाऊंगी। अच्छा। और सबसे पहले तो मेरे साथ आप घर ही ले जाना, वो भी लॉन्ग टूर ही है। विरार विरार भी तो कितनी दूर है। और सामने मिलेंगे ना, उनका हक करेंगे। अच्छा। आप बंगाली हैं वैसे? हाँ, वो आपकी। लेकिन सेलिब्रिटी कौन होगा? पर वो कौन होगा सेलिब्रिटी जिसको हक करेंगे आप? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। और घूमेंगे, हाँ जी, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और उनके घर पे 4-5 घंटे में उनके साथ रहेंगे। और दीपिका को जलाने के लिए। यार कितनी क्यूट है, दीपिका को जलाऊंगी मैं। आप जब जाएंगी ना मुझे भी ले जाना साथ में। मैं जला तो नहीं सकता पर बैठूंगा तो सही साथ में। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। हाँ। नाम तो सुना है। जी राहुल सर, एक दिन की अगर मेरी विश होगी किसी सेलिब्रिटी के साथ रहना, तो मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। क्योंकि मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। यस सर। अच्छा यार, वाह। क्योंकि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो। बेसिकली मैं डांस टीचर हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ, तो मैं आपके साथ डांस करना चाहूंगा पूरे दिन, और वो सिखाना चाहूंगा कि जो रणवीर सिंह सर अपनी एनर्जी डालते हैं, वो आप इतना डांस सिखाऊंगा एक दिन आपको जो आप 4 साल तक कर सकते हो। मैं अब क्या फायदा रणवीर सिंह बनने का? मतलब मैं इधर केबीसी होस्ट करूंगा। अरे पहले जाके टट्टी करके। बहुत ही
ज्यादा गंदे लग रहे, प्लीज इनको ढक दीजिए। अपने बच्चा के पास आ जाओ। नहीं नहीं, खबरदार पास आने की बात की तो पास आ के 2 से 11 हो गए हम। और ना मान्यता जी, ये मेरे हस्बैंड है बच्चा जाधव, मैं ना इनके सामने कभी भी हॉट नहीं लग पाती, जब भी मैं तैयार होकर लिपस्टिक लगाती हूँ ना, ये आके खा जाते हैं। अरे इस बात पे तो वैसे कायदे से हमें शर्माना चाहिए, तुम क्यों शर्मा रही हो इतना? नहीं नहीं, मैं इसलिए शर्मा रही हूँ, मैंने पहली बार 2 न्यूड सर देखे हैं। एक मिनट भाई साहब। हाँ। आप संजू बाबा बने हो? हाँ। लग नहीं रहे। शाखाल। वेलकम माई फ्रेंड। बिल्कुल सही बोला तुमने। वेलकम माय फ्रेंड, आप भी शकाल नहीं लग रहे, आ जाओ। आप ना हंसो, आप तो शत्रु जी लग ही नहीं रहे। और चंकी जी ऐसे क्या, आप भी नहीं लग रहे चंकी। कितनी ये असली वाले हैं? असली वाले हैं फिर भी नहीं लग रहे असली। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.